जिंदगी बहुत अनिश्चित है, कब क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन सब कुछ ठीक होगा इसी उम्मीद पर दुनिया कायम है और हमारी जिंदगी भी। सही सोच के साथ सही राह पर चलते रहो तो सब कुछ ठीक होगा, ये भरोसा हमें जिंदगी जीने की हिम्मत और ताकत देता है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक होगा इस बात पर से भरोसा उठ गया तो, उम्मीद बार बार लगातार टूटती रही तो इंसान मायूस होकर गलत लोगों, गलत बातों और गलत राह पर भटक जाता है। उसके दिल में ये डर बैठ जाता है कि जो गलत कल हुआ वही आज होगा और शायद कल भी, और इसी डर को अपने सीने से लगाए वो जिंदगी जीने लगता है और नतीजा तबाही बर्बादी। अतीत में चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, लेकिन भविष्य में सब कुछ अच्छा होगा इसी उम्मीद के साथ जीना ही जिंदगी है। अगर ये आशा, ये उम्मीद इंसान ने छोड़ दी तो उसका क्या नतीजा हो सकता है, ये हमारी आज की कहानी बताती है। एक ऐसा केस जिसने पुलिस को बौखला दिया, एक ऐसी कहानी जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। क्या है? पिछले 5 महीने से आप लोगों ने दूध के बिल के पैसे नहीं दिए। पैसा मिल जाएगा, आप बाहर चलिए। अरे 5 महीना हो गए अभी तक पैसा नहीं मिला। अरे बबीता, पैसा दो मेरा। ए, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कितने पैसे तेरे? हाँ बोल। 5 महीने का 6,000 रुपए। पकड़ निकल यहाँ से, उठा उठा पैसे। कल से मैं इधर तू देने नहीं आऊंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को। हे भगवान, बिल देने में क्या दिक्कत है तुम्हें? इतने से पैसे के लिए सब? ये सब मतलब मैंने क्या किया? हाथ देख, शुक्रवार का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। और ये हमेशा शुक्रवार को क्यों आता है? ये लो, टिफिन रेडी नहीं अभी तक। पता नहीं घर में करते क्या है लोग। मैं भी काम ही कर रही हूँ, तुम्हारी तरह यहाँ मैं घूमती नहीं रहती। काम है मेरा वो, टिफिन दे रही हो या जाऊं? नौकरानी नहीं हूँ तुम्हारी, तमीज से बात करो। तमीज से बात करने की औकात है तुम्हारी? तुम्हारी है हा? बस सारी दोस्त माँ और बहन पर दिखाओ, है ना? बीवी के सामने इतनी अकड़ दिखाई होती ना तो भागती नहीं वो। अच्छा तो तुमने कौन सा संभाली अपने पति को? बढ़िया नसीहत देने वाली। भैया भैया, अरे दीदी आप दोनों चुप हो जाइए, मैं आ गया हूँ, मैं टिफिन पैक कर देता हूँ। और हो सके तो समझाओ माँ को, रोज झगड़ा करते ना किसी न किसी के साथ, परेशान हो गया हूँ मैं। और ये सब ऐसे ही चलता रहा ना तो पागल खाने भेजना पड़ेगा उनको। मैं नहीं बात करती किसी से, कि पकड़ो अपना टिफिन और जाओ। भगवान इसको गड़बड़ ना हो जाए बस। हेलो, हाँ मैं आज बात करता हूँ जुगल से। हाँ मुझे किसी भी कीमत पर मेरा परिवार चाहिए, हंसता खेलता परिवार। माँ ये क्या लिखती रहती हो आप? गरम है तो? हाँ जा। भगवान रक्षा करना, कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए आज। चल भाई
बबीता, ए बबीता। हाँ माँ। 8 बज गए, दरवाजा बंद कर ले। बॉडी की पोजीशन अजीब है। पूनम, तुम बाकी घर की तलाशी लो। मैम। बॉडी के हाथ पे खरोचों के निशान है और सर के पीछे चोट भी है। मैम, दरवाजे पे काफी कुंडिया है लेकिन खिड़की खुली है, इसका मतलब है कोई भी आ जा सकता। इस कमरे की खिड़की खुली हुई क्यों थी? जुगल भैया अक्सर देर से आते हैं तो उनके लिए खिड़की खुली रखनी पड़ती थी। माँ की वजह से शाम 8 बजे घर के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। इस उम्र में उन्हें डर लगता है कि कहीं कोई आकर उन्हें कुछ करना थे। किस किस को पता था कि जुगल रात को खिड़की से आना जाना करता है? मैं और माँ के सिवाय राजेंद्र को पता था। राजेंद्र हमारे घर के और बाहर के सारे काम करता है और सुबह सबसे पहले उसने ही जुगल भैया को देखा था। घर से या इस कमरे से कोई सामान गायब है? ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा। कल जुगल घर कब लौटा? रात 11 बजे तक तो नहीं आए थे और वैसे भी उनके घर आने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। नहीं नहीं, आप किसी भी चीज को हाथ मत लगाइए। आशुतोष, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और ये खाने और शराब के सैंपल्स को फॉरेंसिक लैब में, और जुगल के पॉकेट में जो मोबाइल मिला है उसके सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। जुगल के अक्सर भी कराता था? अक्सर, और कभी कभी तो बहुत ज्यादा। किसी से झगड़ा या दुश्मनी थी यहाँ आसपास पड़ोस में या जहाँ काम करता था वहाँ? नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं, कुछ पता चलता है तो हम आपको बताते हैं। पूनम, विजय, तुम दोनों यहाँ गार्डन और आसपास में देखो, कहीं कोई सुराग या निशान है क्या? बॉडी घसीटने का कोई निशान मिल रहा है क्या, वो भी देखो। यस मैम। आशुतोष, पहले हमें ये पता करना है कि जुगल के घर आने से पहले उसके साथ क्या क्या हुआ, मतलब वो कहाँ से आ रहा था, क्या बताया उसकी बहन ने, कहाँ काम करता था वो? रीजन टेलीकॉम में काम करता था। हम वही चलते हैं। राजेंद्र। जी मैडम। ये क्या है? देखो, इस एरिया में इस टावर की काफी रेंज है, ये एरिया में ज्यादा जरूरत नहीं है तो। राजेश शर्मा, तुम्हारे ऑफिस से पता चला कि तुम यहाँ हो, तुमसे जुगल के बारे में कुछ बात करनी थी। मतलब जुगल को सचमुच कुछ हो गया क्या? तुम्हारा मतलब? नहीं, मतलब वो हमेशा मुझसे कहता था कि मुझे बचा लेना, मुझे अगर कुछ हो जाए तो। ऐसा क्यों बोलता था वो? जब से उसकी बीवी निकिता उसे छोड़कर गई है तब से पूरी तरह से हिल गया है वो, बहुत दारू पीने लगा था, बहुत अजीब हो गया था। मैं तुम दोनों रोज पीते थे? कभी कभी। तो क्या कल भी तुम उसके साथ थे?
हाँ आज पूछूंगा उससे, उसने क्यों किया मेरे साथ ऐसा, मुझे छोड़कर चली गई, वो गई तो मेरा छलक चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, और गई तो गई ना, इतना जलील करके गई कि ये उसने ठीक नहीं किया। राजेश तू मुझे लेकर चल उसके पास, मैं पूछूंगा उससे उसने क्यों किया ऐसा, चल अभी तू मेरे जुगल वो चली गई। मैडम मैंने उसे कितने बार समझाया कि छोड़ दे, वो चली गई है, बंद कर दे दारू पीना, लेकिन वो मेरी बात मानता ही नहीं था। तो क्या वो कल भी निकिता से मिलने गया था? पता नहीं सर, मैंने तो रात को 11:30 बजे उसे रोज की तरह पास वाले चौराहे पे छोड़ दिया था। जुगल टेंशन मत ले, मैं चला जाऊंगा। और वो किस जिल्लत की बात कर रहा था? वो भी एक अजीब कहानी है मैडम, उसके बारे में मेरे से बेहतर उसके घर वाले ही बता पाएंगे। तुमने दफनाया इस कुत्ते को? जी मैडम। कब दफनाया था? मैडम ये 3 दिन पहले जो कुएं में मरा हुआ मिला था। चलो दिखाओ ये कुआ कहाँ है। इसी कुएं से निकाला था मैंने। घर वालों को इसके बारे में कुछ पता है? तुमने बताया कुछ उन्हें? मैंने जानबूझकर नहीं बताया मैडम। क्यों? क्योंकि जुगल भैया कुत्तों को लेकर बहुत परेशान होते थे, अगर ये बात उनको पता चलती तो वो गोपाल अय्यर से बहुत झगड़ा करते। गोपाल अय्यर, ये कौन है? हमारे पास ही रहते हैं मैडम, उनको कुत्तों से बड़ा प्यार है, वो कुत्तों को कहीं भी खाना खिलाने लग जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे घर के बाहर भी। अय्यर साहब कितनी बार बोला है आपसे यहाँ पर कुत्तों खाना मत खिला करो, आपको बात समझ में नहीं आ रही है? परेशान करके रखा हुआ है। अय्यर साहब आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुन रहे हैं आप? क्या सुनेगा तुम्हारा बात, हा? रोज का एक ही बात, क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हारा? मेरा प्रॉब्लम ये है अय्यर साहब कि मैं बोलता हूँ रोज आपको कि कुत्तों को खाना मत खिलाया करो, बात समझ में नहीं आती आपको? ये कुत्ता तुमको क्या करता, कभी काटा है क्या? अरे जवान ने तुम्हारा टाइम होगा, तुम जाओ। मैं काट लिया ना तो ठीक नहीं होगा, बता रहे हम आपको। धमकी देने का जरूरत नहीं है, धमकी दे रहा हूं। डालेगा साला तुम कहीं पे? अरे ऐसे कैसे काट डालेगा? इस झगड़े के बारे में और किसी को कुछ पता था? सभी को तो पता था मैडम, निकिता जुगल भैया की बीवी थी, उसी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमारा हरा भरा परिवार था, सब खराब करके चलती बनी एक वो और एक सूरज, दोनों की दोनों घटिया और नीच लोग। सूरज कौन? मेरा पति। नारायणम निराकारम नरवीर नरोत्तमम नरसिंहम नागनाथम च तम वंदे नरकांतकम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आप ये प्रसाद सब में बांट दीजिए। रुकिए, सूरज जी कहाँ है? अरे बबीता जाओ अपने पति को जल्दी बुला के लाओ। एक मिनट, मैं बुला के लेके आती हूँ। सूरज जी, सूरज आ रहा हूँ। अरे भाई जल्दी आ जाओ, सब वेट कर रहे हैं। आ रहे हैं। बबीता टॉवल देना। बबीता सूरज
क्या कर रहे हो? अरे प्यार आ रहा है तुम पे आज। छोड़ो, कोई देख लेगा। अरे यहाँ कौन देखेगा, इतनी दूर खड़ी, उधर आना। लेकिन जब माँ ने उन दोनों से पूछा तो दोनों ने साफ इनकार कर दिया। क्या बंद कर दे, किस बारे में बात कर रही हैं आप? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। झूठ, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। मैंने खुद देखा और सुना तुम दोनों को बात करते हुए। बबीता, मैं बात कर रही हूँ ना। आप भी क्यों बात कर रही हैं? हमारी इज्जत का तो ख्याल करिए। निकिता, भाभी के बारे में सोचिए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा? आपकी कसम, भगवान की कसम, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस बात को यही खत्म करते हैं। परिवार की शांति बिगड़नी नहीं चाहिए, याद रखना। लेकिन फिर उसी दिन दोनों खुलेआम बिना शर्म के क्या तुमने अपने पति को ढूंढने की कोशिश नहीं की? नहीं, मैंने सूरज को डिवोर्स दे दिया था। तो सूरज उस घर में घर जमाई बनकर रह रहा था? हाँ, उन दिनों सूरज का काम घाटे में चल रहा था, इसीलिए कुछ दिनों के लिए हम माँ के यहाँ शिफ्ट हो गए थे। सूरज ने मुझसे कहा था कि उसे जल्दी एक बड़ा ऑर्डर मिल जाएगा और फिर हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपकी तरह जुगल ने भी निकिता को डिवोर्स दे दिया? नहीं, उसने मना कर दिया था। अजीब बात, तेरवा देवी का जमाई सूरज उन्हीं की बहू निकिता के साथ भाग गया। शायद इसी सदमे ने तेरवा देवी और उनके परिवार को। जुगल की पॉकेट से जो फोन मिला उसकी कॉल रिकॉर्ड्स आ गया। उसके हिसाब से निकिता और जुगल के बीच काफी कॉल्स हुए। कल रात को भी निकिता ने उससे बात की थी और ये जुगल की आखिरी कॉल थी। कितने बजे? करीब 11:30 बजे। मैडम, जुगल के दोस्त राकेश ने भी ये बताया था कि तकरीबन इसी टाइम के आसपास उसने जुगल को चौराहे पे ड्रॉप किया था। हो सकता है कल रात जुगल अपनी बीवी निकिता से मिलने गया हो और उसे मौत का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि जुगल ने डिवोर्स देने से मना कर दिया था, इसलिए सूरज और निकिता ने मिलके जुगल को मार दिया हो। पूनम, जुगल मिश्रा के घर के कंपाउंड में उसकी बॉडी घसीटने के निशान मिले? नहीं मैम, लेकिन एक अजीब बात सामने आई है। उनके घर के नौकर राजेंद्र को एक कुत्ते की लाश मिली जो उसने दफनाई, घर वालों में से किसी को नहीं बताया। और उसका कहना है कि उसके घर के पास रहने वाले गोपाल अय्यर का जुगल से झगड़ा ना हो, इसलिए उसने ये बात किसी को नहीं बताई। यहाँ इस केस में सब अजीब है। वो बुजुर्ग माँ, उनके जमाई और बहू, नौकर राजेंद्र और अब ये गोपाल अय्यर। इस गोपाल अय्यर की कुंडली निकालो, पता करो कि ये कल रात वो कहाँ था, और ये सूरज और निकिता के बारे में पूछताछ करो। वैसे यहाँ परसों की भी करोगे ना? क्या मेघा की माँ, नैना की शादी का तो कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। ओ भाई, बस हो गया। मैं अपने अर्जुन और जूही की शादी ऐसे करूंगी कि देखती रह जाओगी, आंखें फट जाएंगी लाखों में एक। कौन है? माँ कौन है? माँ कौन है? माँ माँ कौन है? मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ बबीता। बबीता, वो आया? वो आया? वो नहीं आया। ऐसे कैसे? तूने उसे जुगल के बारे में बताया था ना? अब उसे आना ही होगा, अब आना ही होगा उसे। परसों रात को आपने जुगल को फोन क्यों किया था? माफी मांगने के लिए। अच्छा, परसों रात आप कहाँ थी? यही घर पे ही थी। इस बात का कोई गवाह? गवाह की क्या जरूरत है, मैं यहाँ घर पे ही थी। मगर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? कल सुबह जुगल के कमरे से उसकी लाश मिली। तो इससे आपको कोई दुख नहीं पहुंचा? जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब सूरज के साथ शादी करने के लिए आप आजाद जो हो? आजाद? सूरज ने तो कब से अपनी आजादी चुन ली है। मतलब हमारे बीच में अब कुछ भी नहीं है। तो अब सूरज कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। गोपाल अय्यर आपका ही नाम है ना? जी, मेरा नाम है। जुगल मिश्रा को जानती थी? वो दरिंदा, मेरे को तो उसका नाम भी नहीं सुनना। परसों सुबह आपकी उसके साथ लड़ाई हुई थी? हाँ, वो तो रोज होती है, कौन सी नई बात है। और आपने उसे मारने की धमकी भी दी? अरे मैडम, मैं तो उसे डरा रहा था, पता नहीं उसे कुत्तों से इतनी नफरत क्यों थी। अब देखिए ना, पिछले हफ्ते मेरे 3 कुत्ते गायब हो गए, उसी ने शायद कुछ किया होगा। अच्छा हुआ मर गया, कम से कम मेरे कुत्ते तो बचे रहेंगे। परसों शाम को और रात को आप कहाँ थे? जी मैं घर पे था, पूरी रात घर पे था। आपको चाहिए तो मेरी बीवी से पूछ सकते। लेकिन आप लोग ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं?
आपको क्या लगता है मैंने कुछ किया? कैसा बना है? ठीक है। अरे ठीक है या अच्छा है? अच्छा है माँ। धीरज अगर कुछ कम है तो बता दे, मैं और डाल देती हूँ। नहीं नहीं बराबर एकदम। धीरज बेटा कितना बड़ा हो गया है तू, 5 साल हो गए तुझे देखे। अरे अपनी दादी और बुआ को अंदर नहीं बुलाएगा? आ जाइए। बबीता टिफिन ला। धीरज बेटा आ जा, इधर आ जा, खाए। कौन है धीरज? धीरज आप दोनों से मैंने साफ साफ कहा है कि आपसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सुनाई नहीं दे रहा आपको? इज्जत से निकल जाइए वरना धक्के मार के निकलवाऊंगी। ये ले धीरज बेटा, ले बेटा ले। अरे मेरे हाथ का बना घर का ताजा खाना है और सब कुछ इसकी पसंद का है। धीरज इनके हाथ का बना कुछ मत खाना। यानी खाने थे उसे, कुछ नहीं होगा उसे। हा? फिर भी वो नहीं खाएगा। बबीता खाइए, खा खा, ताकि उसको पता चले कि इसमें मैंने जहर नहीं डाला है। देख देखा, और सुन धीरज मेरा पोता है, वो मेरे घर में रहना चाहिए मेरे साथ। धीरज उस घर में कभी नहीं जाएगा, उस घर में एक भी मर्द जिंदा नहीं रहता है। अब तो जुगल को भी खा गए आप लोग। याद रखता नहीं, बहुत पछताएगी तुम। निकलिए। साहब लेकिन क्या कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? साहब हुआ क्या साहब? अरे अरे मैडम मुझे बताइए तो सही, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो आप? क्योंकि तू हर काम में सबसे पहले है। तुझे सबसे पहले कुएं में से एक मरा हुआ कुत्ता मिला, जुगल की लाश को भी सबसे पहले तूने देखा, और जुगल के झगड़े के बारे में भी सबसे पहले तूने हमें बताया। अब सच सच बता, तुझे कुएं में से एक मरा हुआ कुत्ता मिला या तीन? नहीं नहीं मैडम, सिर्फ एक ही कुत्ता मिला था, मैंने मैडम को बताया तो था। ठीक है तुम जा। पूनम इस पे नजर रखना, और वो तेरवा देवी का जमाई सूरज वो कब आ रहा है? आ गया मैम। क्यों सूरज, निकिता से कब शादी कर रहे हो? शादी? हाँ शादी, क्योंकि अब जुगल मिश्रा जो नहीं रहा। जुगल मिश्रा नहीं रहा? बुढ़िया अपने आखिरी बेटे को भी खा गई। मतलब? पहले दो बेटे मर चुके हैं उनके, पर मैम मेरा उस घर से और बबीता से ना कोई रिश्ता नहीं है अब। तुम निकिता से आखिरी बार कब मिले थे? कई महीने हो गए मुझे तो, पर हाँ बबीता का फोन आया था 2 हफ्ते पहले। बबीता का? हाँ वो बोल रही थी मिलना है, कुछ मदद चाहिए, लेकिन बाद में ना कोई फोन आया ना मिलने आई। ठीक है बबीता ने इसे फोन क्यों किया होगा? बबीता से मिलना है। वो तो घर पर नहीं है। कहाँ चली गई वो? मंदिर गई है, वो देर से लौटेगी। आपने बताया नहीं कि जुगल के और 2 भाई भी थे? जुगल की मौत के बाद हमने काफी लोगों से पूछताछ की, सबका यही कहना है कि इस घर के मर्द जिंदा नहीं बचते। ऐसा क्यों?
पता नहीं है हमारे ये घर के मर्दों को क्या हो जाता, कोई रहना ही नहीं चाहता इसका। मेरा बड़ा बेटा युवराज 14 साल की उम्र में ही बीमारी की वजह से मर गया, और दूसरा बेटा गिरिजेश उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद गिरिजेश की बीवी कहानी मेरे पोते को लेकर घर छोड़कर चली गई। ये कब की बात है? 8 साल पहले की बात। बबीता जैसे घर आए उन्हें कहिएगा कि हमें कांटेक्ट करें। और आपका नौकर राजेंद्र कहीं नहीं दिख रहा? गया होगा इधर उधर कहीं, मुझे नहीं पता। आशुतोष, तेरवा देवी के पोते धीरज के बारे में पता करो। तेरवा देवी चाहती थी कि उनका पोता धीरज वापस घर लौटे, शायद इसी बात में जुगल की मौत का राज छिपा। और मैडम, ये गिरिजेश की मौत क्या वाकई में एक एक्सीडेंट थी या फिर इसमें भी कुछ और था? आशुतोष, ये 8 साल पहले की बात है। मान लिया जाए कि गिरिजेश की मौत एक एक्सीडेंट से हुई हो और इसी बात का तेरवा देवी को सदमा पहुंचा हो और वो वहमी बन गई हो। मैं खुद एक माँ हूँ और बच्चे खोने का गम मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तेरवा देवी के वहम के हिसाब से वो चाहती हूँ कि उनका तीसरा बेटा भी मर जाए लेकिन पोता बचे, और इसकी वजह से उनकी घर की खुशहाली वापस लौटे। 35 वर्षीय जुगल तेरवा देवी का बचा हुआ इकलौता बेटा, लेकिन अब वो भी मर चुका था। लेकिन पुलिस का ये शक कि जुगल की हत्या हुई है काफी ठोस था। क्या इनके अलावा कोई और भी था जो जुगल की जान ले सकता था, और इस हत्या की वजह क्या थी? जुगल एक नशेबाज हारा हुआ इंसान था, उसे मारकर किसी को क्या मिलने वाला था? पुलिस कोशिश कर रही थी लेकिन उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और उसी वक्त पुलिस के पास एक ऐसी खबर आई जिसकी वजह से ये केस उल्टी दिशा में घूम गया। और तुम्हें तो मुझे ऐसा कहना। मैडम, मैं धीरज मिश्रा हूँ, तेरवा देवी मिश्रा का पोता। कल शाम से मेरी दादी और बुआ गायब है, उनका फोन भी बंद आ रहा है। दादी और बुआ घर पे नहीं है? नहीं, वो कल शाम को निकले थे, अभी तक वापस नहीं आए। लेकिन मुझे तो आज घर आने कहा था उन्होंने। कल शाम को उनके जाने के बाद अगर वो वापस घर नहीं लौटे तो तुमने हमें आके क्यों नहीं बताया? और आखिरी बार कब और कहाँ देखा था उनको? मैडम, कल शाम को उन्हें कहीं बाहर जाना था तो उनके लिए ऑटो मैं ही लेकर आया था। उनके पास कुछ सामान वगैरह था? एक छोटी सी थैली थी मैडम, बस। ठीक है, उनके बारे में अगर कुछ पता चलता है तो हम तुम्हें बताते हैं। जी मैडम। आशुतोष, ये बड़ी हैरानी की बात है, बबीता और तेरवा देवी का गायब होना और जुगल की मौत का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। शायद इन दोनों ने मिलके कुछ किया हो, लेकिन दो औरतें एक साथ ऐसे अचानक गायब कहाँ हो सकती है? और वो ज्यादा घर से बाहर निकलती भी नहीं थी। खैर, इन दोनों की फोटोज शहर के सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। बबीता कुमारी और तेरवा देवी का गायब होना एक पहेली थी। उनके दुश्मन तो काफी थे, लेकिन उनमें से कौन उन दोनों को गायब कर सकता था, इस बारे में पुलिस उलझन में थी। और तभी एक बार फिर से इस केस ने रुख बदला। मैडम, जुगल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक जुगल की मौत एल्कोहल ओवरडोज की वजह से हुई थी। ज्यादा शराब पीने की वजह से उसे वोमिट सेंसेशन हुआ जो उसके विंड पाइप में अटक गया और वो सांस नहीं ले पाया।
इसके अलावा जुगल की बॉडी में शराब छुड़ाने की दवाई के ट्रेसेस भी मिले। डॉक्टर ने रिपोर्ट में डेथ बाय नेचुरल कॉज ही लिखा है और फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक शराब छुड़ाने की दवाई की ट्रेसेस उस खाने की प्लेट में भी मिले जो हमें जुगल के रूम से मिली थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर जुगल की हत्या नहीं हुई थी तो तेरवा देवी और बबीता भागे क्यों? इन दोनों के भागने के पीछे जरूर कोई कारण होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि इन दोनों के साथ भी कोई हादसा हुआ हो। मैम, बबीता और तेरवा के फोन रिकॉर्ड्स, तेरवा के फोन रिकॉर्ड्स में कुछ खास हाथ नहीं लगा, लेकिन बबीता की राजेश शर्मा के साथ अक्सर फोन पे बातें होती थी। राजेश शर्मा कौन? वो जुगल का दोस्त? उसका फोन लग नहीं रहा, इसलिए उसका फोन ट्रैक करने के लिए बोल दिया है। ठीक है, तुम राजेश शर्मा को ट्रैक करो, तब तक हम एक बार फिर से तेरवा देवी के घर चलते हैं, शायद वो घर वापस लौटी है। ये घर देख रहे हो तुम लोग? ये घर भी मेरा है, कुछ टाइम में मेरे ही नाम पे हो जाएगा। अरे पैसे बहुत है, टेंशन नहीं है कुछ भी, अपना जो भी हिसाब है ना वो ले देके खत्म कर देंगे, उसके बाद भाई भाई बैठेंगे, पार्टी करेंगे आराम से, क्या बोलते हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो और राजेंद्र का है? समय वो अपनी दादी और बुआ से मिलने आया था बस। ये राजेश शर्मा का ही घर है ना? हम राजेश का है? पता नहीं मैडम, उसे हमने कहीं बाहर जाते हुए देखा वहां। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक ये राजेश शर्मा 3 दिन से गायब है, कुछ अता पता नहीं, उसका फोन भी ट्रेस नहीं हो पा रहा। लेकिन हमारी खबरियों से ये पता चला है कि बबीता और वो अक्सर छुप छुप कर मिला करते थे। ये केस उलझता ही जा रहा है, कहीं ये राजेश तेरवा देवी और बबीता के साथ मिलकर कुछ साजिश तो नहीं कर रहा? मैडम ये भी तो हो सकता है कि बबीता और राजेश के रिश्ते को जुगल और तेरवा देवी का विरोध था, इसलिए जुगल की मौत के बाद उन्होंने तेरवा देवी को अपने रास्ते से हटा दिया। फिर ये बबीता क्यों गायब है और वो उनका नौकर राजेंद्र वो कहाँ चला गया? तेरवा देवी की इस डायरी में बहुत कुछ लिखा हुआ है। पुलिस के सामने एक जबरदस्त पहेली थी तेरवा देवी की वो डायरी जिसमें उसने अपने दुश्मनों के नाम लिखे थे, लेकिन पुलिस ने उन सब से बात की थी और पुलिस को किसी के भी खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। उस डायरी में लिखी हुई बातें सच थी या फिर एक बुजुर्ग औरत के असंतुलित दिमाग की कल्पनाएं? क्या यह डायरी पुलिस को अपनी मंजिल तक ले जाने वाली थी या फिर यह डायरी उन्हें गुमराह करने वाली थी? अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। वो दूध वाले नील ने मुझे धक्का दिया और मेरे सर पे चोट लगी और उसने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। मैंने तो अपना पैसा मांगा था मैडम, लेकिन बुढ़िया ने मुझ पर ही डंडे से हमला कर दिया। मैं खुद को बचाने के लिए उसे हल्का धक्का मारा था। फिर तूने क्या किया? बदला लेने के चक्कर में सबकी जान ले ली? नहीं नहीं मैडम, मैंने किसी को कुछ नहीं किया। सूरज और निकिता दोनों बहुत झूठे हैं, उन्होंने मेरे सामने झूठ पे झूठ बोला, उन्हें अपनी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। सर हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, उस परिवार में कोई जिए या मरे उससे हमें क्या फायदा। मैं जो कुछ भी हुआ है उसे भुलाने की कोशिश कर रही हूँ। ये गोपाल अय्यर मेरे जुगल के साथ बहुत झगड़ा करता है। तो मैंने जुगल को सिर्फ धमकाया था, तेरवा देवी और उसकी फैमिली से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। वैसे भी वो औरत थोड़ी पागल थी, आपको यकीन नहीं होता ना, बार वो लड़का आकर बैठा ना आपसे पूछिए, कितना बेइज्जत करके उसको निकाला था घर से, उसने मेरे को सामने आकर बताया। उसको भी कुत्तों से बहुत प्यार है, अभी पिछले 2 हफ्तों से मेरे साथ वो कुत्तों को खाना खिलाता है। जुगल की तबीयत खराब होने के बावजूद और मेरे मना करने के बाद भी हितेन ने जुगल को दारू ला के दी, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। अरे बेटा बचा है मेरा, खाना है उसे दारू नहीं देना। माँ जी बोलती थी कि मैं जुगल भैया की जान के पीछे पड़ा हूँ, अब जुगल भैया के ही कहने पे मैं उनके ही पैसों से उनके लिए शराब ला के देता था, अब उनकी तबीयत खराब थी तो उसमें मेरी क्या गलती। अच्छा, और कुत्तों से बहुत प्यार है तुझे? हाँ।
सिर्फ दो हफ्तों से प्यार है। नहीं मैडम ऐसा नहीं है, कुत्तों से तो बचपन से प्यार करते हैं, एक गांव में पाला हुआ भी है। ठीक है, जब तक हम नहीं कहते शहर से बाहर जाना मत। आशुतोष हमें इस पे भी नजर रखनी होगी। धीरज के आने के बाद ही हमारे घर में सुख और शांति लौटेगी, मगर ध्यानी चाहती है हम सब मर जाए। धीरज का इस्तेमाल करके हम सबको पहले ही मार डालेगी वो। ढेर सारे पैसे, आलीशान मकान, यही तो चाहती थी तुम। अब ना तेरवा देवी बीच में आएगी और ना ही बबीता। मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे उस घर से एक कौड़ी भी नहीं चाहिए। ये ड्रामा बंद करो, और आपको चाहिए हो या ना हो, हमारे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक धीरज महलों के सपने जरूर देखता था। अरे काका चुका दूंगा ना आपका बिल, दे दो अभी। हाँ जानता हूँ बहुत बड़ा आदमी है तू, बहुत बड़ा घर है तेरा, तू चाहे तो सबको खरीद सकता है। अरे जाओ यहाँ से, कुछ भी नहीं मिलेगा। मैडम अगर हमें पैसे और आलिशान मकान ही चाहिए होता तो मेरे पति के मरने के बाद मैं वो घर छोड़कर नहीं आती। वो घर शापित है, वहाँ एक भी मर्द जिंदा नहीं रहता, और अगर मेरा बेटा धीरज वहाँ रहता तो वो भी मर जाता। धीरज मैंने तुझे मना किया था ना, बोला था ना इन लोगों से दूर रहना। आशुतोष बबीता के बारे में भी लिखा है इस डायरी में, तेरवा देवी को बबीता के लक्षण ठीक नहीं लग रहे थे, देर से आती थी, जबान लड़ाती थी। मैम शहर के बाहर वाले जंगल से खबर आई है। लाश पे घाव का निशान काफी भारी और गहरा है, लगता है किसी ने बहुत बेरहमी से मारा है इसे। इस केस की शुरुआत जुगल की मौत से हुई थी, तब हमें लगा था कि हत्या है, पर ऐसा था नहीं। और अब जुगल की माँ तेरवा देवी गायब है, और बहन बबीता इनमें से अहम कड़ी थी, अब वो भी टूट चुकी है। तेरवा देवी गायब है और नौकर राजेंद्र, अभी तक उसकी कोई खबर नहीं। मैडम उसकी डायरी से हमें उसकी दुनिया के बारे में पता चला था, उसकी डायरी में मौजूद लोग उसकी दुनिया में बसते थे, और उसी दुनिया में से किसी ने शायद ये कांड किया। लेकिन अब सवाल ये है कि तेरवा देवी की दुनिया में बसने वाला वो कौन व्यक्ति है जिसने सब कुछ किया। इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं तुझे, ना तेरा फोन लग रहा है, ना किसी को बताया कि तू कहाँ था। गांव गया था, वहाँ पर नेटवर्क नहीं था। बबीता से क्या रिश्ता है तुम्हारा? प्यार करते थे हम एक दूसरे से। तू उसे मारा क्यों? मैं उसे क्यों मारूंगा मैडम, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, और जिस दिन जुगल की हत्या हुई उस दिन मैं उसे सब सच बताने वाला था कि मैं और बबीता शादी करने वाले हैं। लेकिन उस दिन जुगल निकिता को लेकर बहुत परेशान था, इसीलिए मैंने उसे कुछ कहा नहीं, और फिर अगले दिन पता चला कि जुगल की मौत हो गई। अरे मैं तो गांव जाने से पहले उसे मिला भी था, वो और तेरवा देवी कोई चंद्रपाल बाबा को मिलने जाने वाले थे। चंद्रपाल, ये बबीता और ये तेरवा देवी, क्या ये दो औरतें तुमसे मिलने आई थी? हाँ आई थी, इन्हें अपना पोता वापस चाहिए था। ये बता रही थी कि इनके परिवार पर शाप का साया है, उसी से मुक्ति के लिए उन्होंने अनुष्ठान किया और वापस चली गई। हेलो आप लोगों के सीनियर से बात करनी, हमने कुछ नहीं किया। आप लोग मैम आपकी टीम हमें जबरदस्ती लेकर आई है, किस लिए? सर, सर, बताता हूँ। मैं भी हरिओम चंद्रपाल बाबा का भक्त था, उस दिन मैंने बबीता और तेरवा देवी को उनके आश्रम में देखा था, वहां से मुझे पता चला कि वो दोनों वहां पे वापस आने वाले थे, तब मैंने हितेन को याद किया। हितेन को पहले ही तेरवा देवी से नफरत थी, ये रिक्शा चलाता है। माजी नमस्ते, पहचाना? इसने घर छोड़ने के बहाने उन दोनों को अपने रिक्शा में बैठाया। कहाँ जा रहे हैं हम? अरे हितेन, ये कहाँ ले जा रहा है? ये हमारे घर का रास्ता नहीं है, कहाँ से लेकर जा रहा है तू? अजीब सी जगह है, कहाँ लेकर आया?
कितने बार बोला तेरे को? क्या तू? ए! क्या कर रहा है? चल निकल ले जा रहा है। ए पकड़ उसे। सूरज चल। सूरज तू। ये क्या कर? चल। लेकिन ये सब करके तुम दोनों को क्या हासिल होने वाला था? क्या तुम तेरवा देवी से कुछ साइन करवाना चाहते थे? मैम हमें तो बाद में मिलता, पहले तो उसे हासिल होने वाला था। किसे? चल। अरे पर मैडम बताइए तो सही क्या हुआ? मैडम प्लीज। सूरज और मैं अलग हो चुके थे, लेकिन जुगल की मौत के बाद मेरे दिमाग में एक प्लान आया था, तो मैंने सूरज को अपने पास बुलाया। सूरज, जुगल अब रास्ते से हट चुका है और ध्यानी तो अभी हवेली में वापस आएगी नहीं और ना धीरज को आने देगी, इसका मतलब समझते हो? अरे जुगल ने मुझे अब तक डिवोर्स नहीं दिया है, इसका मतलब मैं अभी भी मिश्रा खानदान की बहू हूँ और उस हवेली पर मेरा भी हक है। मगर बबीता और बुढ़िया, उसका क्या? और इसलिए तुमने बबीता को इतनी बेरहमी से मारा? कुत्तों को मैं नहीं मार के वहां फेंका था। सोचता था बुढ़िया को डराता रहूंगा। निकिता मैडम के ही कहने पे जुगल भैया को मैं रोज ज्यादा दारू लाके देता था। मैंने पता किया था कि राजेंद्र गांव गया है, तो बुढ़िया की लाश को कुएं में फेंकने गया था। वहां राजेंद्र ने हम दोनों को देख लिया था, इसलिए उसको भी वहीं मारना पड़ा। तेरवा देवी एक बुजुर्ग औरत थी जो अपने परिवार को जोड़कर रखना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसका परिवार एक ही छत के नीचे सुख और शांति के साथ रहे, लेकिन वो हो ना सका और नतीजा उसका भरोसा, उसकी उम्मीद टूट गई। जिंदगी के इस अनिश्चित पहलू ने तेरवा देवी को इस कदर तितर बितर कर दिया कि वो तंत्र मंत्र और तांत्रिक की झूठी बातों पर भरोसा करने लगी। उसका विश्वास ऐसी बातों पर बैठ गया जहां पर सिर्फ फरेब और मक्कारी थी, और था तेरवा देवी के बचे खुचे कुटुंब का अंत। तेरवा देवी अकेली थी, उम्र ढल गई थी, कमजोर थी, और राजेंद्र, निकिता और सूरज ने इस बात का फायदा उठाया। कठिन समय में तेरवा देवी कमजोर पड़ गई और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। कठिन समय हर किसी की जिंदगी में आता है और इसी कठिन समय में सबसे ज्यादा शक्ति की जरूरत होती है। हम ये प्रार्थना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये शक्ति हम सबको मिले। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।